जय हिंद सभी भाई लोगों को। तो कैसे आप सभी, आई होप कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि इंडियन आर्मी अग्निवीर का न्यू भर्ती आने वाला है 2 से 4 दिन में, और उसमें जो जो भी भर्ती आने वाला है उसमें और पहले से बहुत ज़्यादा चेंजिंग कर दिया गया है ऑनलाइन प्रोसेस को लेकर के। जिस तरह से पहले आप ऑनलाइन एकदम 2 मिनट में कर लेते थे, लेकिन इस बार जो है एक स्टेप और बढ़ा दिया गया है जिसका नाम है डीजी लॉकर। उसमें और एक दो बातें लिखे हुए हैं जो कि मैं आपको सारे इस वीडियो में डिटेल से बताऊँगा, आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आने वाला है। और हाँ, अगर आप इस अपडेट को अच्छे से नहीं जानते हैं, वो काम नहीं करते हैं जो अपडेट में लिखा हुआ है, तो आप जो फॉर्म नहीं भर पाइएगा इंडियन आर्मी अग्निवीर का, ठीक है। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ कि वो अपडेट क्या है, क्या उसमें लिखा हुआ है। तो सबसे पहले आपको आना है इंडियन आर्मी वाले वेबसाइट पे, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, डायरेक्ट ही वहाँ से क्लिक करके यहाँ पे आ सकते हैं। उसके बाद आपको नीचे आना है, देखिए अग्निवीर इनरोलमेंट लिखा हुआ है। उसके बाद यहाँ पर आपको व्यूअल पर क्लिक करना, राइट में यहाँ पर क्लिक करने के बाद देखिए पहला जो पैराग्राफ लिखा हुआ है यही अपडेट है, ठीक है। आप चाहें तो पढ़ सकते हैं पूरा डिटेल से, लेकिन मैं आपको इसमें जो बात लिखा हुआ है मैं आपको वो समझा देता हूँ अच्छे से, ठीक है। इसमें पहला बात जो लिखा हुआ है वो बोला गया है कि आपका जो मोबाइल नंबर है और आपका जो आधार कार्ड है वो दोनों एक दूसरे से लिंक होना चाहिए, ठीक है, नहीं तो आप नहीं भर पाइएगा फॉर्म। दूसरा बात इसमें लिखा हुआ है कि आपके पास एक डिजी लॉकर अकाउंट होना चाहिए, जिसके पास डिजी लॉकर अकाउंट नहीं होगा वो इस फॉर्म को नहीं भर पाएगा अग्निवीर को। और तीसरा बात इसमें लिखा हुआ है कि जो आपका आधार कार्ड हो और जो आपका मैट्रिक का सर्टिफिकेट है, उन दोनों में नाम वगैरह, डाटा, डेट ऑफ बर्थ सभी चीज़ सेम होना चाहिए। तो आपको क्या करना है कि एक हाथ में एडमिट कार्ड, एक हाथ में मैट्रिक का सर्टिफिकेट और एक हाथ में आधार कार्ड, दोनों को देख करके मिलाना है। अगर जो सारा कुछ सही है तब तो ठीक है, नहीं तो आपको जो आधार कार्ड जल्दी से जल्दी सुधरवा लेना है, क्योंकि सर्टिफिकेट तो सुधरेगा नहीं, सुधरेगा तो सिर्फ आधार कार्ड ही। अब तीनों बात मैंने आपको यहाँ पे समझा दिया हूँ, लेकिन इसमें आपको प्रॉब्लम आ रहा होगा कि डिजी लॉकर अकाउंट हम कहाँ से लाएँ, ये क्या चीज़ है, वो क्या चीज़ है। तो मैं आपको बताता हूँ इस वीडियो में, सारा कुछ करके दिखाऊँगा लाइव, ठीक है। तो डिजी लॉकर एक ये मतलब एक ऐप है जो कि भारत सरकार के द्वारा ये चलाया गया था, लागू किया गया है। इसमें आप अपना जितना भी सर्टिफिकेट है, जैसे आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर आईडी, जितना भी सर्टिफिकेट है, जैसे इंटर मैट्रिक का सर्टिफिकेट और जातीय आवासीय निवास, जितना भी डॉक्यूमेंट है सारा आप इसमें जो है अटैच करके रख सकते हैं। और सभी मतलब जितना भी स्टेट है सभी का इसमें ऑप्शन होता है, सेंट्रल का भी जिसका है वो भी इसमें रख सकते हैं। तो सबसे पहले तो आपको डिजी लॉकर अकाउंट बनाना है, तभी आप इसमें अग्निवीर स्कीम को भर पाएंगे। तो मैं आपको बताता हूँ कि अब आपको डिजी लॉकर अकाउंट किस तरह से बनाना है, ठीक है। तो सबसे पहले आपको जाना है गूगल में, गूगल में जाने के बाद आपको लिखना है डीजीआई लॉकर, ठीक है। डीजीआई लॉकर आप जैसे टाइप करेंगे तो खुल करके आ जाएगा ये पहला वाला वेबसाइट, ठीक है, डीजी लॉकर, इसी पर आपको क्लिक करना है, ठीक है। तो इस पर मैं अब क्लिक कर देता हूँ। उसके बाद देखिए ये आ चुका है डिजी लॉकर का वेबसाइट, पहला पेज खुल करके। अब देखिए इसमें आपको क्या करना है, किस तरह से आपको अकाउंट बनाना है, मैं आपको वो समझाता हूँ, ठीक है। तो जो स्टूडेंट, जो भाई लोग पहले से बना चुके हैं अकाउंट, उसको डायरेक्ट साइन इन करना है। जो नहीं बनाया है, अभी न्यू वीडियो देख रहे हैं हमारा, तो उसको साइनअप पर क्लिक करना है। साइनअप पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे अपना नाम आएगा, फिर डेट ऑफ बर्थ, फिर अपना जेंडर, मोबाइल नंबर और 6 डिजिट का पिन आपको डालना है। कोई भी पिन आप डाल सकते हैं, ये पिन फिर आपको वहाँ पे डालना पड़ेगा जब आप अकाउंट को लॉगिन कीजिएगा डिजी लॉकर में, तो यही पिन आपको डालना पड़ेगा 6 डिजिट का, तभी आपका अकाउंट खुलेगा, ठीक है। ये दरअसल इसलिए बनाया गया है कि आपका अकाउंट दूसरा कोई एक्सेस ना कर सके, ठीक है। तो ये आप 6 डिजिट का पिन आप बना लीजिएगा जो आपको याद रहे, या तो आप बना करके लिख दीजिएगा, ऐसे तो फॉरगेट भी हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। फिर उसके बाद आपको ईमेल आईडी डालना है, फिर अपना आधार कार्ड नंबर डालना है, फिर सबमिट पे क्लिक करना है, ठीक है। तो मैं सारा कुछ पहले भर लेता हूँ, फिर उसको आपको बताता हूँ। तो फ्रेंड्स, सारा डिटेल भरने के बाद जैसे आप सबमिट पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने नया पेज आएगा, फिर जो आपने यहाँ पे मोबाइल नंबर डाला है उस पर एक OTP जाएगा, और वो OTP आपको डाल करके वेरीफाई कर लेना है। मेरा नेक्स्ट स्टेप इसलिए नहीं आया नेक्स्ट पेज, क्योंकि मेरा जो ये जो आधार नंबर है इससे मेरा पहले ही डिजी लॉकर अकाउंट बना हुआ है, मैंने पहले ही बना लिया था, ठीक है। इसलिए मेरा एक आधार नंबर से 2-2 अकाउंट नहीं बन सकता। तो बस इसके आगे जो एक सिर्फ OTP आएगा आपके मोबाइल नंबर पे, वो OTP आपको डाल के वेरीफाई कर लेना है। फिर साइनअप हो जाने के बाद आपको डायरेक्ट साइन इन वाले पे क्लिक करना है। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ ऑलरेडी हैव ए अकाउंट, मतलब पहले से आपके पास अकाउंट है तो आप डायरेक्ट लॉगिन करें। यहाँ पे आएंगे तो अपना मोबाइल नंबर डालना पड़ेगा, मैं अपना मोबाइल नंबर डाल लेता हूँ, ठीक है।
उसके बाद आपको नेक्स्ट पे क्लिक करना है। नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे अपना यूजर नेम आएगा, उस पर क्लिक करना है। उसके बाद वही वाला 6 डिजिट का पिन डालना है जो आप रजिस्ट्रेशन के समय साइनअप के समय लगाए थे, तो मैं अपना डाल लेता हूँ, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आपको नेक्स्ट करना है। साइन इन पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो उसके बाद देखिए आपके सामने ये खुल करके आ गया सारा चीज़, ठीक है। डिजी लॉकर अकाउंट आपका यहाँ पे फोटो आ जाएगा, जो आधार कार्ड में फ़ोटो रहेगा वही वाला यहाँ पे ऑटोमेटिक ले लेता है फ़ोटो। अब देखिए इसमें आपको क्या क्या करना है। सबसे पहले देखिए ये सारा जो डॉक्यूमेंट दिख रहा है, आधार कार्ड, पैन, वेरिफिकेशन रिकॉर्ड, मैट्रिक का सर्टिफिकेट, इधर और सारा दिखाते हैं आपको, क्लास 10th प्रोविजनल सर्टिफिकेट, इनकम सर्टिफिकेट, नॉन क्रिमिनल सर्टिफिकेट, तो ये सब आपको ऐड करना है। मैं ऐड करके रखा हूँ, हमको कहीं भी ज़रूरत होगा तो यहाँ से हम खोल करके दिखा सकते हैं किसी को, ठीक है। ये आपको किस तरह से ऐड करना है मैं आपको पहले वो बता देता हूँ। तो सबसे पहले आपको लेफ्ट साइड में आना है, इसी डॉक्यूमेंट पे आपको क्लिक करना है तो ये सारा कुछ आ जाएगा। ये देखिए सारा मेरा ऐड हो चुका है यहाँ पे। फिर नीचे में आना है गेट मोर इशू डॉक्यूमेंट, इस पर जैसे क्लिक करेंगे, जैसे आपका एक एग्जांपल आपको बताता हूँ, जैसे आपके पास जाती है, जाती है वहाँ से ऐड करना है, तो बिहार वाले पे हम जाएंगे, मेरा स्टेट बिहार है, आपका जो स्टेट है चूज कर लीजिएगा। उसके बाद यहाँ से आपके स्टेट में जो जो चीज़ बनता है वो सारा कुछ यहाँ पे रहेगा। जैसे देखिए डिग्री, डिप्लोमा सर्टिफिकेट, डिग्री डिप्लोमा, जैसे सारा कुछ इसमें अलग अलग रहेगा, रेलवे का क्लास मार्कशीट, 10th का प्रोविजनल सर्टिफिकेट, क्लिनिकल लेबोरेटरी रिपोर्ट, इसी तरह से ड्राइविंग लाइसेंस, सारा चीज़ इसमें रहेगा, ठीक है। तो हम कास्ट सर्टिफिकेट ऐड करते हैं, तो उस पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे कास्ट सर्टिफिकेट का नंबर डालना पड़ेगा, जो BOB करके रहता है ना वही वाला। फिर उसके पेजा के नीचे में सबसे लास्ट में देखिएगा, ठीक है, लिखा रहेगा एक टोकन नंबर D करके, D52 इस तरह से रहेगा। उस पर बाद डालने के बाद यहाँ पे आपको गेट डॉक्यूमेंट पे क्लिक करना है। जैसे गेट डॉक्यूमेंट पे आप क्लिक करेंगे तो आपका जो सर्टिफिकेट वो यहाँ पे आ जाएगा और डिजी लॉकर अकाउंट में यहाँ पे आकर के अटैच हो जाएगा, ठीक है। तो फिर ये तो सारा कुछ प्रोसेस हो गया, डिजी लॉकर अकाउंट आपको किस तरह से बनाना है, डॉक्यूमेंट किस तरह से इसमें ऐड करना है, ठीक है। अब इतना काम हो जाने के बाद आपको जो है यूजर रजिस्ट्रेशन पे अब लेकर के चलते हैं इंडियन आर्मी वाला पे, ठीक है। उस पर क्या बोल रहा है डिजी लॉकर के बारे में, तो सबसे पहले आपको अग्निपथ पे आना है, उसके बाद यहाँ पे यूजर रजिस्ट्रेशन है, उसके बाद यहाँ पे आपको डायरेक्ट यहाँ पे कंटिन्यू करना है। देखिए यहाँ पे आ चुका है, दो तरीके से यहाँ पे रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, एक आधार नंबर से, एक मैट्रिक के सर्टिफिकेट से। अगर जो मैट्रिक का सर्टिफिकेट डालेंगे, टिक करेंगे, तो वहाँ पे आएगा रोल कोड वगैरह सारा कुछ डालने का, स्कूल का नेम वगैरह, और फिर उसके बाद फेच फ्रॉम डिजी लॉकर पे आपको क्लिक करेंगे तो जो आप डिजी लॉकर में मैट्रिक का सर्टिफिकेट ऐड किए थे उसी का डिटेल यहाँ पे ऑटोमेटिक ले लेगा, ठीक है। तो हम आधार कार्ड से करते हैं, तो आधार कार्ड पे आपको क्लिक करना है, फिर फेच फ्रॉम डिजी लॉकर जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आएगा अपना आधार कार्ड नंबर डालने का ऑप्शन, तो मैं डाल लेता हूँ आधार कार्ड अपना नंबर, ठीक है। आपको भी इसी तरह से डालना है। उसके बाद आपको यहाँ पे कैप्चा डालना है, जो यहाँ पे दिख रहा है ना, आपको ध्यान से देखना है इसको और डालना है कैप्चा में जो लिखा हुआ है, सेम उसी तरह से, कैपिटल में है तो कैपिटल में और स्मॉलर में है तो स्मॉलर में, ठीक है। तो मैं यहाँ पे अपना डाल लेता हूँ कैप्चा, जो भी लिख दिया हुआ है यहाँ पे। उसके बाद देखिए कैप्चा डाल लेने के बाद आपको नेक्स्ट पे क्लिक करना है, ठीक है। नेक्स्ट पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो जो डिजी लॉकर यानी कि जो आधार कार्ड में आपका मोबाइल नंबर है उस पर एक OTP जाएगा, ठीक है, और वो OTP आपको यहाँ पे डालना होगा। तो मैं अपना OTP भी डाल लेता हूँ। फिर फ्रेंड्स OTP डाल लेने के बाद आपको कंटिन्यू पे क्लिक करना है। जैसे कंटिन्यू पे आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक ऑप्शन आएगा अलाउ और डेनी का, तो आपको अलाउ कर देना है। अलाउ आप जैसे ही करेंगे तो फिर आपके सामने जो पहले से आता था पेज, मतलब 2021 का हम बात कर रहे हैं, 22 का बात कर रहे हैं, जब उस समय आप इंडियन आर्मी पर रजिस्ट्रेशन करते थे तो इसी समय इसी टाइप से डायरेक्ट आता था पेज, लेकिन इसमें एक जो है डिजी लॉकर बढ़ा दिया गया, उसके बाद आएगा ये वाला पेज, ठीक है। अब आपको यहाँ पे अपना स्टेट डालना है, उसके बाद अपना एजुकेशन डिटेल डालना है, उसके बाद अपना डेट ऑफ बर्थ और मैट्रिकुलेशन में यहाँ पे पूछ रहा है आपका डेट ऑफ बर्थ सेम है, ये सारा कुछ ईमेल आईडी मोबाइल नंबर भरने के बाद आप सबमिट पर क्लिक करेंगे जैसे ही, तो फिर उसके बाद अगला पेज आएगा और आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा OTP वेरीफाई करने के बाद, ठीक है। तो मैंने आपको यहाँ पे एकदम सीधा सीधी बता दिया कि आपको क्या करना था। अगर आपके पास डिजी लॉकर अकाउंट नहीं है और मोबाइल नंबर आधार कार्ड से लिंक नहीं है और मैट्रिक और आधार कार्ड में जो भी डिटेल है सेम नहीं है, तो आप रजिस्ट्रेशन नहीं कर पाएंगे।
तो आई होप कि मैंने आपको सारा इन्फॉर्मेशन बहुत ही अच्छे तरीके से समझा पाया हूँ। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो आप ज़रूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को ज़रूर बताएं इस अपडेट के बारे में, क्योंकि बहुत लोगों को नहीं पता होता है मेरे भाई। अगर उनको पता नहीं होगा तो हो सकता है उनका आधार कार्ड और मैट्रिक में कुछ गलती रहे डाटा में, तो वो नहीं सुधार पा पाए, फिर उसके बाद फॉर्म भी नहीं भर पाएंगे। और अगर आप बता दीजिएगा तो उसका भी भला हो जाएगा, ठीक है, वो अपना आधार कार्ड सुधरवा लेंगे अगर जो कुछ गलती रहेगा तो। तो बस आज की वीडियो में इतना ही था, और इसी तरह से वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारा टेलीग्राम चैनल ज़रूर ज्वाइन करें, ड्रीम टू स्टडी, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है। छोटे छोटे अपडेट इन्फॉर्मेशन वगैरह जितना भी सारा कुछ आएगा मैं आपको बताता रहूँगा, ठीक है। तो बस आज की वीडियो में इतना ही था। जय हिंद।